तो आप जो व्यवसाय करते हो तो वो व्यवसाय के तरफ लोगों ने क्यों आकर्षित होना चाहिए, लोगों ने आके क्यों काम करना चाहिए? आपके यहाँ लोग इसलिए आके काम करते कि उनको तनख्वाह मिली और इसलिए लोग आते हैं। मगर ऐसी कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितनी सारी, मैं नाम नहीं ले सकता, कि जहाँ वो काम के लिए काम करते हैं, वो पर्टिकुलर काम के लिए काम करते हैं, वो पैसे का नाम भी लेते नहीं, मगर वो संस्थाओं में इतने पैसे आते हैं, इतने पैसे आते हैं कि वो काउंट भी नहीं कर सकते। आप अभी आपने बताया कि मैं बिल्डर हूँ, तो आपके यहाँ ऐसी क्या आपकी स्टोरी है कि वो स्टोरी सुन के मैं मेरी सेवा आपके यहाँ आके दूँ, है ना? मैं पैसे के लिए आपके यहाँ काम नहीं करूँगा, आप बोलेंगे मैं आपको 50,000 रुपये महीना देता, आप मेरे यहाँ आ जाओ, तो 50,000 रुपये लेके मैं आपके यहाँ आके काम नहीं करूँगा, मेरा मेरा व्यवसाय है, मैं पेशेंट देखता हूँ, मेरा हॉस्पिटल है। मगर मैं ऐसी दो तीन जगह है मेरे लाइफ में कि जहाँ जाके मैं फ्री में काम करता हूँ और मेरी सेवा देता हूँ, जहाँ से मेरे को पैसे नहीं मिलते। मैं बैंक में चेयरमैन हूँ, मैंने फाउंडर चेयरमैन हूँ, वहाँ से मुझे 1 रुपये भी नहीं मिलता, मगर वहाँ मैं फ्री सेवा देता हूँ। तो आपके यहाँ ऐसा आपको लगता है कि भाई लोगों ने आना चाहिए, मैंने आना चाहिए, और मैं आऊँगा भी यदि आप मुझे वो स्टोरी सुना दे, क्योंकि बाकी लोगों ने मेरे को स्टोरी उनकी सुनाई और वो स्टोरी सुन के मैं उनके यहाँ फ्री काम कर रहा हूँ। तो आपकी क्या स्टोरी है? तो आपकी स्टोरी इतनी बड़ी है, महात्मा गांधी ने स्टोरी सुनाई लोगों को। महात्मा गांधी ने क्या स्टोरी सुनाई? महात्मा गांधी ने ये स्टोरी सुनाई कि मैं उसके लिए खड़ा हूँ कि इंडिया शैल बी फ्री एंड दैट टू बाय नॉन वायलेंस, भारत को स्वतंत्रता मिलेगी और वो भी अहिंसा के माध्यम से। वो लोगों को उसने स्टोरी सुनाई महात्मा गांधी ने, और लोगों ने अपने अपने काम धंधे छोड़ के, अपने अपने इंडस्ट्रीज को ताला मार के लोग उसके यहाँ, उनके यहाँ, उनके मूवमेंट में ज्वाइन हो गए, उनके स्टोरी में लोग तैयार हो गए, कन्विंस हो गए कि नहीं हम तुम्हारे साथ में आ गए। लोगों ने अपने धंधे बंद कर दिए, लोगों ने कमाई बंद कर दिया, बोले नहीं यार ये स्टोरी बहुत अच्छा सुनाता है, वो स्टोरी में जाके अपन ने काम करना चाहिए। आज कितने सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो लोगों जिनके स्टोरीज में, मतलब अभी मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि उनका स्टोरी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उद्देश्य क्या है, ऐसा कौन सा बड़ा आपका उद्देश्य है, यहाँ स्टोरी का मेरा मतलब है कि वो उद्देश्य के लिए मैं आपके यहाँ आके 2 घंटा काम दूँ। ऐसे कई सारे परिवार है, कई सारी संस्था है कि लोग अपना समय वहाँ घंटा 2 घंटे देते हैं जाके, तो उनको मन को समाधान मिलता है, मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, उसके लोग काम करते हैं। तो आपके यहाँ आके मुझे वो विधि मिलेगा तो मैं आपके यहाँ काम करूँगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, और पैसा दिया है समझो तो मैं ना नहीं बोलूँगा, मैं लूँगा ना पैसा, समझे? आपने मेरे को 50,000 दे के आप बोले काम पे आ जाओ तो मैं आऊँगा नहीं, मैं सेवा के लिए आपके यहाँ आ सकता हूँ, आपकी स्टोरी सुन के, आपका उद्देश्य सुन के मैं आपके यहाँ आऊँगा ना काम करूँगा, और मेरा काम देख के आपने समझे मेरे को थोड़ा पैसा दिया तो मैं ले लूँगा, मेरे को पैसे से कोई उल्टी नहीं आती कि पैसा दिया तो मेरे को उल्टी करूँगा करके। तो हमारा जो है कि हमको अच्छे लोग नहीं मिलते, हमारे यहाँ लोग टिकते नहीं है ना, हमारे यहाँ लोग काम करते नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, और वो जो है उद्देश्य ऑब्लिक स्टोरी है ना, तो उसमें लोग कन्विंस हुए क्या, उसमें लोग कंधे को कंधा मिला के आपके साथ में काम करने को तैयार है क्या? और वो ही तैयार होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम ही कभी आएगा, लोग छोड़ के भी जाएंगे नहीं। पर लोगों को ये दिखता है कि यार ये तो पैसे के लिए काम कर रहा है, मेरे को इतने कम पैसे दे रहा है, ये तो बड़ा होते जा रहा है तो मैं क्यों काम करूँ, तो फिर वो लोग काम नहीं करते या फिर छोड़ के जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा आते कि चलो कुछ दिन काम करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेंगे, फिर अपने को अपना काम करने का है, खुद का डालने का है। तो आप बड़े बनोगे, आप सेठ बनोगे और लोग वैसे के वैसे रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। और जहाँ जहाँ लोगों ने साथ में मिलकर काम किया हुआ है और उनके साथ में वो भी बड़े हो गए और बड़ी टीम बनाई, तो वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे लोग चले गए। मुकेश भाई आप ये देखो कि आप क्या लोगों को स्टोरी आज से सुनाएंगे कि वो स्टोरी में, या मुझे क्या स्टोरी सुनाएंगे कि मैं कल से आपके यहाँ 2 घंटे आ, या हफ्ते में 2 घंटे दूँ काम करने के लिए, सेवा मेरी, मैं तैयार हूँ।